अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपका जो अभी कैफ का सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको ग्रुप्स में पता चल गया होगा कि एक्स वास्ट हम यूज़ कर रहे हैं। एक्स वास्ट एक बिल्कुल क्रोम जैसा ब्राउज़र है, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने सिस्टम में एक्स वास्ट इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने अपना LMS एक्स वास्ट में ओपन करना है और फिर उसमें आप लेक्चर देख सकेंगे। तो हम ये सारा प्रोसेस वन बाय वन देखते हैं। तो किसी भी ब्राउज़र में लाइक क्रोम या एज या कोई भी ब्राउज़र, आप उसमें एक्स वास्ट की वेबसाइट ओपन कर लेंगे जो कि है www.xvastwast.com। तो ये मेरे सामने एक्स वास्ट की एक वेबसाइट ओपन होगी। इसमें मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये देखें स्क्रीन पर इस वक्त सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट, एक्स वास्ट फॉर विंडोज़ एंड एक्स वास्ट फॉर एंड्रॉयड। तो फिलहाल हम जो सपोर्ट दे रहे हैं वो एक्स वास्ट फॉर विंडोज़, आपके विंडोज़ लैपटॉप कंप्यूटर पर आपका लेक्चर्स प्ले होंगे और इसी तरह आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स पे या एंड्रॉयड टैब्स पर लेक्चर प्ले होंगे। तो मेरे पास क्योंकि ये एक लैपटॉप है तो इस पर मैं ये देखें एक्स वास्ट फॉर विंडोज़ लिखा हुआ है, इसके नीचे एक डाउनलोड बटन है, मैंने इस डाउनलोड बटन पे क्लिक किया तो ये मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। मैंने इसको सेव करना है तो मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ये पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है तो ये मेरे पास डाउनलोड होके मेरे डेस्कटॉप पे आ गया। तो इस क्रोम को अब मैं क्लोज़ कर दूंगा और ये मेरे पास installer.exe की एक फ़ाइल आ गई जो कि मैंने डाउनलोड कर ली। इस फाइल पे मैं अब डबल क्लिक करूँगा, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, हम ओके कर देंगे। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट नेक्स्ट स्क्रीन पे, नेक्स्ट डेस्टिनेशन लोकेशन, आपने जस्ट इसको नेक्स्ट करते जाना है, क्रिएट अ डेस्कटॉप, कोई चेंजेस नहीं करना और एंड पे इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये लेस देन वन मिनट लेगा और आपकी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसका वेट करते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का और फिनिश। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होकर फिनिश हुई तो ये देखें एक एक्स वास्ट का आइकन आपके सामने आ गया। मैंने इसको डबल क्लिक करूँगा या राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे, तो मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। ये ओपन हो गया और इसमें मैं आप पैक का जो LMS है वो इसमें ओपन करूंगा। जैसे मैंने लिखा lms.pack.edu.pk एक वेबसाइट, इसमें मैंने ओपन की। तो आप जैसे पहले क्रोम में ये वेबसाइट में भी ओपन कर